होगा, ठीक है। तो अभी सब लोग बॉम्बे से है ना, कोई ट्रैवल करके आए? बाय बाय बाय, कहां से? तलोजा। तलोजा, अच्छा आज पूछ लिया कि कोई ट्रैवल करके आया तो तलोजा अलग हो गया, वरना इनके गांव वाले पूछते होंगे ना कहां रहते हो, हम बंबई रहते हैं। ये कोकनी लोग चूतिया बनाते सबको। कोकनी है तुम लोग? हा कोण मुनाफ फारूकी नावाचा हिरवा साप, त्याची जीभ जास्तच परत वळवळायला लागलेली आहे। ह्याला कोकणातल्या लोकांचे त्याबद्दल जास्त आपल्या स्टँडअप कॉमेडीमध्ये एवढं टिंगल उडवण्याची अगर खाज असेल तर त्याच्या घरचा पत्ता आम्हाला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे। आता लवकरच त्याला आता मालवणी हिसका असा दाखवतो दाखवायला लागेल की पुढचा स्टँडअप कॉमेडी हा मालवणी करायला मध्ये करायला सुरू करेल। या हिरवा सापाला सांगेन कोकणातल्या लोकांचा अगर अपमान करायची तू हिम्मत करशील तर तुझ्या सारख्या हिरवा सापांना पाकिस्तानात पाठवण्याला आम्हाला जास्त वेळ लागणार नाही, हे लक्षात ठेव। सो हाय दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करने आया था, एक्सप्लेन करने भी आया था, और एक कुछ वक्त पहले एक शो हुआ था और जिसमें जोक भी नहीं कहेंगे, क्राउड वर्क हो रहा था, ऑडियंस से इंटरेक्शन हो रहा था, एंड उसके चलते कोकन के बारे में कुछ बात निकली और मुझे पता था कि तलोजा में बहुत कोकनी लोग रहते बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया है वो चीज लोगों के लिए कि उनको लगता है कि मैंने कोकन के बारे में कुछ बुरा बोला है कि मैंने कोकन का मजाक उड़ाया है। तो नहीं दोस्तों, मेरा इंटेंशन बिल्कुल वो नहीं है। मैं अभी भी वही कहना चाहूंगा कि मेरा जो वो इम्प्रोव था, वो क्राउड वर्क था, उसमें कॉन्वर्जेशन में ही वो चीज मेरे मुंह से निकली, लेकिन मैंने अभी देखा कि कुछ लोग हर्ट हो रहा है और मैं एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन और जो मेरा काम है हंसाने का, मैं नहीं चाहता कोई भी हर्ट हो और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो। तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि सॉरी आपको जिसको भी हर्ट हुआ है। मैंने जिस पे जोक किया था वो लोग ने भी बहुत एंजॉय किया था और शो पे भी बहुत सारे सब लोग थे, मराठी लोग थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे, सब लोग थे। बट अब इंटरनेट पे जब इस तरह की चीज आती है और ऐसी चीज हमारे सामने आती है तो पता चलता है। तो अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, मैं आप सबसे दिल से माफी मांगता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।